गुना शहर के हनुमान चौराहा पर धरना दे रहे यादव सर कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है, जिसमें कि आशा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार उनके दर्द को नहीं सुन रही है। वहीं आशा कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा है कि सरकार उन्हें सिर्फ आश्वासन दे रही है, ना तो उनका वेतन बढ़ाया जा रहा है, परमानेंट किया जा रहा है। इससे परेशान आशा कार्यकर्ताओं ने गाँव में अपना स्वास्थ्य सेवाओं के तहत काम बंद कर दिया है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर असर देखने को मिल सकता है। आशा कार्यकर्ताओं ने सरकार को चेताया है कि यदि उनकी भोपाल पहुंचकर प्रदर्शन करेंगे और सीएम हाउस का घेराव करेंगे। आशा उनसे सहयोग एकता यूनियन सीटू से आज हम 10 दिन से जान बैठे हैं धरने पर। आज हमने थाली बजाकर आक्रोश जताया है मामा के खिलाफ कि मामा जागो, जिससे कि हमारी थोड़ी सुध ले और हमें कुछ देने का वादा कराया, वो नियमित इन्हें लायक वेतन देने का वादा कराया वो पूरा करें। आज हमें 10वां दिन है सभी बहनों को, ना तो हमारे अधिकारी ना कोई कर्मचारी हमें देखने आए, ना कोई विभाग का कोई देखने आया कि आशा गांव में काम करती है जब तो याद रहती है। आज हम हड़ताल पे बैठे हैं तो कोई कर्मचारी या कोई विभाग ने हमारी सुध नहीं ली अभी तक, और हम जब तक हड़ताल जारी रखेंगे, जब तक हमारी नियमितीकरण और वेतन वृद्धि नहीं होगी, जब तक हम ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे। और 5 अप्रैल को विधानसभा पर जोरदार प्रदर्शन करने का भी संकल्प कल हमने लिया था कि हम 5 अप्रैल को विधानसभा में घेराव करेंगे। प्रधानमंत्री जो हमारे मोदी जी हैं, उनके लिए जोरदार संख्या में हम धरना लेके दिल्ली पहुँचेंगे। सभी क्या क्या काम प्रभावित हो रहे हैं आपके धरने से? हमारे धरने पर टीकाकरण नहीं हो रहा, लाडली बहना योजना के जो फॉर्म भरे लोन नहीं हो रहा है वो भी नहीं हो रहा है। डिलीवरी वालियों पर भी असर पड़ रहा है कि डिलीवरी सस्ता कर जो हम ले जाते थे वो रास्ते में हो रही हैं, कहीं कहीं तो पहुंच नहीं पा रहे, तो बच्चे भी मृत्यु हो जाती है, भाइयों की भी मृत्यु हो जाती है। इसलिए हमारे हड़ताल पर बैठने पर मात मृत्यु सुरक्षा पर लाडली बहना योजना क्या असर पड़ रहा है? फोन आ रहे हैं हमारे पास, अधिकारी बार बार फोन लगा रहे हैं कि गांव में गुराई की KYC करवाओ, उसको सूची करो, सूची बनाओ, वो हम नहीं बना रहे हैं, काम नहीं कर रहे, बिल्कुल कलम बंद कर बैठे हैं।